हथियारों से लैस गैंग और कई एक्सपेंसिव गाड़ियों में चलने वाले इस व्यक्ति का भौकाल किसी राष्ट्रपति से कम नहीं है। स्क्रीन पर दिख रहा ये व्यक्ति खुद को बाबा कहता है। नाम है संतोष सिंह भदौरिया उर्फ करौली सरकार। भले ही ये व्यक्ति दिखने में एक नजर आता है, लेकिन ये बाबा टू इन वन है, क्योंकि इसके अंदर की छुपे दूसरी आत्मा किसी को दिखाई नहीं देती, लेकिन देश की करोड़ों जनता को खोखला जरूर कर रही। जिस बाबा का अब तक कोई नामो निशान नहीं था, आज उसकी चर्चा देश के हर कोने कोने में हो रही है। देश का हर बच्चा इस बाबा के नाम से वाकिफ है। संतोष भदौरिया का इतिहास आम नहीं है। करौली सरकार से मशहूर इस बाबा के बारे में आज हर कोई जानना चाहता है, तो आइए जानते हैं संतोष भदौरिया उर्फ करौली सरकार के बारे में। नमस्कार, मैं हूं मधुमिता। इस वक्त आप देख रहे हैं इंडिया 24x7 लाइव टीवी। आखिर ये कैसे बना आम से, आखिर क्या है इस बाबा की सच्चाई, कितने देशों तक फैला है इसका मकरजाल, करोड़ों रुपए का सम्राट खड़ा करने वाले इस बाबा के पास आखिर कहां से आ रहा है करोड़ों पैसा, इन सभी प्रश्नों के जवाब आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। हथियार बंद 20 गार्ड वॉकी टॉकी के साथ चलने वाले इस बाबा का आश्रम करीब 14 एकड़ में फैला हुआ है। पूरा आश्रम चारों तरफ से 8 फीट ऊंची दीवारों से घिरा हुआ है। आश्रम में हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, निगरानी के लिए कंट्रोल रूम बना हुआ है। कोई भी परिंदा आश्रम के अंदर पंख नहीं मार सकता। बता दें, बाबा ने आश्रम की जमीन पीके शुक्ला नाम के शख्स से ली थी, जिसने बाद में क्रिश्चियन धर्म अपना लिया था। बता दें, बाबा ने ये जमीन भूदान पट्टा के तहत स्कूल बनवाने के लिए ली थी, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि बाबा ने इस जमीन पर ना तो स्कूल बनवाया और ना ही जनता के हित के लिए किसी भी तरह का विकास कार्य करवाया। बाबा ने बड़ी चालाकी से अपने लिए एक आश्रम खोल दिया। अभी इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बाबा के बड़े बड़े काले करतूत अभी भी सामने आने बाकी है। तो चलिए आइए आपको बताते हैं क्या है इस बाबा की सच्चाई। मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री के इन बड़े नेताओं से मिलने के लिए आपको बिना पैसे खर्च किए भले ही अनुमति मिल जाए, लेकिन इस फरेबी बाबा से मिलने के लिए आपकी जेब गर्म होनी चाहिए। 10,000 नहीं, 20,000 नहीं, 50,000 नहीं, बल्कि लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं इस बाबा से मिलने के लिए। 14 एकड़ में फैले इस मकर जाल में 5-स्टार होटल जैसी फैसिलिटी है। इसके अलावा एटीएम मशीन से लेकर कैंटीन और आइसक्रीम पार्लर तक की सुविधा है। आश्रम के अंदर ही होटल और फ्लाइट रेलवे की बुकिंग के काउंटर भी लगे हुए हैं। पूजा की सामग्री खरीदने के लिए अलग अलग काउंटर बने हैं। सुबह 8 बजे से बाबा का दरबार शुरू हो जाता है। बाबा से बात करने के लिए 5100 रुपए का टोकन लगता है। बाबा के सामने लगे माइक के पास लोग बारी बारी से जाते हैं। रात 8 बजे तक टीन की शेड के नीचे हजारों लोग हवन करते हैं। आश्रम के चारों ओर ओम नमः शिवाय, जय शिव के नारे गूंजते रहते हैं। कोई त्रिशूल के पास जाकर माथा टेकता है, तो कोई मन्नतें मांग रहा होता है। बाबा से मिलने के लिए अंधभक्तों की लंबी कतारें सुबह से लेकर शाम तक लगी रहती हैं। करीब 14 एकड़ में फैला यह आश्रम अपने आप में एक शहर है। यहाँ हर दिन 3,500 से लेकर 5,000 तक के लोग यहाँ आते हैं, और अमावस्या वाले दिन तो बात ही क्या। करीब 20,000 तक के लोग यहाँ पर बाबा से मिलने के लिए अमावस्या के दिन आते हैं। यहाँ रात दिन का पता ही नहीं चलता। लोग 24 घंटे हवन करते रहते हैं। इसके लिए बाकायदा उन्हें आश्रम से हवन किट उपलब्ध कराई जाती है। रात 8 बजे तक टीन के शेड के नीचे हजारों लोग करौली सरकार धाम का मंदिर कानपुर स्टेशन से करीब 18 किलोमीटर दूर करौली गांव में बना है। ये आश्रम अपने आप में एक शहर है। यहाँ पर हवन करने के लिए किसी पुजारी या पंडित की जरूरत नहीं होती, लोग खुद ही हवन करते हैं। आश्रम में दो मंदिर हैं, एक करौली सरकार यानी राधा रमण मिश्र का और दूसरा माँ कामाख्या का। डॉक्टर संतोष सिंह भदौरिया आश्रम के बाबा हैं। तंत्र मंत्र झाड़ फूक के इस मकर जाल में फंसने के लिए देश भर से लोग यहाँ आते हैं। कई लोग तो 10 दिन से भी ज्यादा यहाँ पर रुकते हैं। वीआईपी लोगों के ठहरने के लिए आश्रम में खास कमरे हैं। आश्रम के आने के बाद सबसे पहले 100 रुपए में रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। इसके बाद 100 रुपए बंधन का चार्ज लगता है। बंधन यानी कमर पर सफेद
सफेद धागा बांध दिया जाता है। इसे हर 3 महीने में रिन्यू भी कराना होता है। इसके बाद 100-100 रुपए की 2 अर्जियां दोनों दरबार के लिए लगती हैं। साथ ही उन्हें 8वें और 9वें दिन के हवन में शामिल होना होता है। इसके लिए करीब 6,200 रुपए लगते हैं, यानी यहाँ आने वाले हर शख्स को कम से कम 6,600 रुपए तो खर्च करने ही होंगे। ये तो आश्रम तक पहुँचने की बात हो गई। अगर कोई यहाँ हवन करना चाहता है तो मैं उसका भी गणित बता देती हूँ। आश्रम की तरफ से 3,500 रुपए का एक हवन किट मिलता है। आपको कम से कम 9 हवन करने ही होंगे, ये यहाँ का रूल है। यानी हर दिन के लिए एक किट खरीदनी ही होगी, जिसका खर्च 31,500 रुपए आएगा। अगर आप 9 दिनों तक आश्रम में रुकते हैं और खाना पीना करते हैं तो उसका खर्चा अलग से। जो लोग हवन नहीं करना चाहते वे अर्जी लगाने के बाद लौट जाते हैं, यानी कि जिनकी जेब गर्म नहीं है उन्हें बाबा के दरबार से बाहर कर दिया जाता है। इसे नमन प्रक्रिया कहा जाता है। ये खर्च व्यक्तिगत है और अगर आप परिवार के साथ जाते हैं तो हर सदस्य के लिए रजिस्ट्रेशन, बंधन और अर्जियां लगेंगी। जो लोग 9 दिन हवन कर नहीं सकते या उन्हें जल्दी इलाज चाहिए, उनके लिए भी बाबा के लिए बहुत बढ़िया इलाज है। बाबा ने इसका भी विकल्प दिया है। इसका खर्च 1.51, यानी कि 1.5 लाख रुपए के करीब पैसे खर्च करना पड़ता है। इसमें हवन के साथ कई पंडित मिलकर रुद्राभिषेक और पूजा पाठ कराते हैं। झाड़ फूक और हवन पूजन कर समस्याओं को दूर करने वाले इस ढोंगे ने विवाह भी किया है। रुद्राभिषेक और पूजा पाठ कराते हैं। झाड़ फूक और हवन पूजन कर समस्याओं को दूर करने वाले इस ढोंगे ने विवाह भी किया है या नहीं, इस सवाल आपके मन में जरूर उठ रहा होगा। आपको क्या लगता है, बाबा ने सन्यासी का जीवन व्यतीत करने की कसम खाई थी? नहीं, आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। बाबा ने एक नहीं बल्कि 2-2 शादियां की थी। तो आइए जानते हैं इस ढोंगी बाबा का वैवाहिक जीवन। उन्नाव के पवई गांव में रहने वाले करौली सरकार बाबा उर्फ संतोष सिंह भदौरिया जब अपने शुरुआती दिनों में आर्थिक तंगी से जूझ रहा था तो उसने अपनी पहली पत्नी को बदकिस्मत बताकर छोड़ दिया था। इसके बाद उसने ममता तिवारी नाम की महिला से शादी कर ली थी। संतोष की दूसरी पत्नी ममता का कल्याणपुर में प्लॉट था। इसे बेचकर उसने प्रॉपर्टी का काम शुरू किया था, लेकिन ममता के भाइयों ने इसका विरोध किया। फिर उसी प्लॉट के पैसे से उसके लिए टेम्पो खरीद कर दे दिया। बाबा की दूसरी पत्नी ममता से संतोष के 2 बेटे हैं। इसके साथ ही पुरानी खटारा स्कूटर से चलने वाला बाबा पहले टेम्पो का मालिक बना। फिर इसके बाद मात्र 3 साल में बाबा अकूत संपत्ति का मालिक बन बैठा। आज वह 3 रेंज रोवर कारों का मालिक है। संतोष सिंह भदौरिया का टेम्पो चलाने में भी मन नहीं लगा। दरअसल वो कम समय में ज्यादा पैसे कमाना चाहता था। इसके लिए वो भारतीय किसान यूनियन में किसान नेता भी बन गया। संतोष का उद्देश्य था भाकियों का राष्ट्रीय नेता बनकर अपना वर्चस्व कायम करना, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। धरना प्रदर्शन के दौरान कई बार लाठियां खाने के बाद उसका नेता नगरी से भी मोह भंग हो गया। इसके बाद उसने भाकियों से भी दूरी बना ली। संतोष सिंह भदौरिया ने एक बार फिर प्रॉपर्टी का काम करना शुरू कर दिया। उसने विवादित जमीनों को खरीदना और बेचना शुरू कर दिया। इसके साथ ही उसने जमीनों पर कब्जा करना भी शुरू कर दिया। संतोष ने बिधुनों के करौली गांव में एक भदौरिया परिवार की जमीन को बेहद कम कीमत में खरीद ली। इस तरह से उसने सैकड़ों बीघा जमीन बना ली। संतोष सिंह भदौरिया ने खुद को आर्थिक रूप से मजबूत करने के बाद आयुर्वेदिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल बनाया था। इसके प्रचार प्रसार करने के लिए सिविल लाइन में एक क्लिनिक खोला था। उसके अस्पताल में फिजियोथेरेपी कराने के लिए लोग जाया करते थे, लेकिन संतोष भदौरिया को इसमें भी लाभ नहीं मिला। इसके बाद 2017 और 18 में उसने पूर्वज मुक्ति केंद्र खोल दिया और करौली सरकार बन गया। ओम शिव बैलेंस बोलकर लोगों की बाधाएं और बीमारियों को दूर करने का दावा करता है बाबा। बाबा के वीडियो सोशल मीडिया पर देखे जा सकते हैं। कानपुर करौली बाबा को यूट्यूबर बाबा भी कहा जाता है। बाबा वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल भी करता है। अपने झूठे तंत्र मंत्र का लोगों को भरोसा दिलाकर जनता को ठगने का काम शुरू कर दिया। देश भर के लोग अपना इलाज कराने के लिए पहुँचने लगे। इसके बाद संतोष सिंह भदौरिया बाबा के नाम से
फेमस हो गया। इस बाबा ने लोगों को अपनी जाल में फंसा कर लोगों से इतना ठगा कि मात्र 3 सालों में ही 14 एकड़ में अपना साम्राज्य खड़ा कर दिया। आडंबर की दुकान चला रहा आज ये बाबा अकूत संपत्ति का मालिक बन बैठा है। हाल ही में करौली सरकार चर्चा में तब आया जब उसकी और उसके एक भक्त की बीच बहस और मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बिदुनो थाना क्षेत्र स्थित करौली गांव में बने बाबा का लवकुश आश्रम में दूर दराज से लोग आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। नोएडा गौतम बुद्ध नगर में रहने वाले डॉक्टर सिद्धार्थ चौधरी, पिता वीएस चौधरी, मां रेणु चौधरी और पत्नी प्रियंका चौधरी के साथ बीते 22 फरवरी को करौली सरकार के दरबार में आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे थे। सिद्धार्थ चौधरी ने बताया कि आश्रम पहुंचकर सेवादारों के द्वारा बताई गई प्रक्रिया के अनुसार 2600 रुपए की पर्ची कटवाई थी। इसके बाद वे शाम 4 बजे बाबा के दरबार में पेश हुए। सिद्धार्थ चौधरी ने बताया कि करौली सरकार ने चमत्कार के उद्देश्य से माइक पर फूंक मारते हुए ओम शिव बैलेंस कहा, लेकिन इसका उन पर कोई असर नहीं हुआ। डॉक्टर ने बात बाबा को बताई तो बाबा ने दोबारा फूंक मारते हुए ओम शिव बैलेंस बोला, लेकिन बाबा का यह प्रयास उन पर चमत्कार करने में विफल रहा। जब उन्होंने ये बात बाबा को फिर से बताई तो बाबा भड़क गए, पगलेट कहते हुए अपने सेवादारों की तरफ इशारा किया। बाबा के सेवादारों ने उन्हें बलपूर्वक वहां से घसीटते हुए बाहर ले गए। बता दें कि बाबा की हद पार हुई। बाबा ने इशारों में सेवादारों से उन्हें बाहर निकालने के लिए कह दिया। बाबा के सेवादारों ने उन्हें बलपूर्वक बाहर निकाल दिया। इसके बाद कमरे में बंद करके लात, घूंसों और सरिये से पीटा। डॉक्टर सिद्धार्थ चौधरी की नाक की हड्डी तोड़ दी गई और सिर फोड़ दिया गया। इस घटना का वीडियो सामने आया था। तो ऐसे है हमारे संतोष सिंह भदौरिया उर्फ करौली सरकार बाबा। उनके तंत्र मंत्र को गलत साबित करना एक डॉक्टर के परिवार को कितना भारी पड़ा, आप सभी ने देखा और सुना। ये तो आप सभी जानते हैं कि सच बोलने वाला व्यक्ति फरेब करने वाले व्यक्ति की आंखों में हमेशा चुभता ही है। बता दें 19 मार्च को डॉक्टर सिद्धार्थ अपने परिवार के साथ कानपुर कमिश्नर बीपी जोग दंड से मिलकर अपनी घायल फोटो दिखाकर एफआईआर लिखने की एप्लीकेशन दी। इसके बाद 19 मार्च को ही बिदुनू थाने में एफआईआर दर्ज हो गई। बाबा संतोष सिंह भदौरिया और उनके साथियों के खिलाफ 323, 504 और 325 की धारा में एफआईआर दर्ज की गई। जिसके बाद इस मामले में कानपुर पुलिस बाबा के आश्रम में पहुंची। काफी देर इंतजार करने के बाद पुलिस बाबा के आश्रम में पहुंची। पुलिस ने आधे घंटे तक बाबा से पूछताछ की। बारे में बाबा ने कहा कि वकील के सामने ही मैं कुछ बोलूंगा। पुलिस को सीसीटीवी में घटना के फुटेज मिले हैं। आईटी हेड विकास भाटिया ने पुलिस को बताया कि उनके आश्रम में 250 कैमरे लगे हैं, लेकिन सिर्फ 15 दिन तक ही रिकॉर्डिंग रहती है। घटना 1 महीने पुरानी की है, इसलिए रिकॉर्डिंग देने में वह असमर्थ है। इसके बाद पुलिस ने उन्हें लिखित में ये बात स्पष्ट करने को कही। बाबा ने बयान दर्ज कराने से मना करते हुए कहा कि बिना अपने वकील से बात किए कोई लिखित जवाब नहीं देंगे। इसके बाद कानपुर पुलिस ने उनसे मौखिक रूप से ही सवाल जवाब किए और घटना की जानकारी ली। करौली सरकार बाबा डॉक्टर संतोष सिंह भदौरिया अपराधी से बाबा बनने का सफर भी बड़ा दिलचस्प है। जानकारी के अनुसार संतोष सिंह भदौरिया उर्फ करौली बाबा तब मशहूर हुए जब कोयला निगम का चेयरमैन बनकर लाल बत्ती मिली। हालांकि ये रुतबा कुछ ही दिन रहा। करौली बाबा पर कई आपराधिक आरोप भी लग चुके हैं। संतोष सिंह पर 1992 से लेकर 1995 के बीच हत्या और 7CLA समेत कई धाराओं में मुकदमे भी दर्ज हुए थे। पुलिस से बचने के लिए किसानों का नेता बन गया। किसानों का नेता बनकर जमीनों पर अवैध कब्जे करने लगा। कोतवाली थाना क्षेत्र में चर्च की जमीन का एग्रीमेंट कराकर पैसे हड़पने का भी आरोप इस बाबा पर है। बिदुनू में भूदान पट्टा सरकारी दस्तावेजों में हेरा फेरी कर आश्रम बना लिया। इसके बाद यूट्यूब पर तंत्र मंत्र के जरिए समस्याओं को हल करने के वीडियो यूट्यूब पर डालने लगा। ये बाबा अपने तंत्र मंत्र से कई तरह की गंभीर बीमारियों और समस्याओं से दूर करने का दावा करता है, लेकिन लोग बाबा की इस बात से हैरान तब हो गए जब उसने प्रयागराज हत्याकांड में आरोपी अतीक अहमद के शूटर गैंग को ढूंढने में
यूपी पुलिस की मदद करने का दावा किया। कहा कि इसके लिए यहां आकर एक दिन अनुष्ठान करना होगा। बाबा ने ये भी कहा कि वो भारत पाकिस्तान के रिश्ते को भी सुलझा सकता है। बाबा का काला चिट्ठा तो अभी खुलना बाकी है। चलिए इस पर भी नजर डाल देते हैं। फजलगंज थाना क्षेत्र स्थित शास्त्री नगर में 4 अगस्त 1992 को अयोध्या प्रसाद की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। राजकुमार ने संतोष भदौरिया समेत अन्य आरोपियों पर FIR दर्ज कराई थी। इस दौरान संतोष भदौरिया का नाम सामने आया। संतोष भदौरिया को 27 मार्च 1993 को जमानत पर रिहाई मिल गई। खुद को बाबा कहने वाले इस ट्विन बाबा की ये है वास्तविक सच्चाई। ऐसी बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए India 24x7 लाइव टीवी के साथ। मैं मिलूंगी इसी तरह की बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।